यहाँ से हम फिर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट तो आइए देखते हैं नॉलेज कंटिन्यूटी से क्या मुराद है अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट विद द गोल ऑफ आइडेंटिफाइंग वैल्यूएबल नॉलेज दैट इज़ वलनरेबल एंड एट रिस्क ऑफ बींग लॉस्ट ड्यू टू द डिपार्चर ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ आते हैं वो चले जाते हैं उनका जो नॉलेज है वो अपने साथ ले जाते हैं तो उस नॉलेज को अगर हम महफूज रखने का या जो एम्प्लॉज़ हमारे पास रह जाते हैं उन तक अगर ट्रांसफ़र करने का कोई इंतज़ाम करें तो इसको हम नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कहेंगे कि किसी के रिटायर होने से या इदारा छोड़ने के नतीजे में जो नॉलेज है वो लॉस ना हो जाए इदारे का और इदारे को उससे नुकसान ना पहुँचे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आमतौर पर दो एसेट्स को इम्पोर्टेंस देती हैं उनमें एक एसेट होता है पीपल हु वर्क फॉर देम जो उनकी एच आर है जो उनकी मैन पावर है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरा है नॉलेज दे पोजेस कि वो जो एचआर या मैन पावर है उनके पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोटेंट होता है और एक एसेट की हैसियत से इदारे में इस्तेमाल होता है अब अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें इसी नॉलेज एसेट को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं अगर हम उसकी बात करें तो मसला ये सामने आता है कि येट दीज वैल्यूएबल एसेट्स आर नाट एट ऑल लाइक फिजिकल एंड इन्वेंट्री ये जो एच आर का या मैन पावर का नॉलेज है एम्प्लॉइज़ का जो टेसेट नॉलेज है ये नॉलेज किसी भी तरह से कोई टेंजिबल शक्ल में नहीं होता इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई जा सकती इसकी कोई लिस्ट नहीं बनाई जा सकती इसका नतीजा क्या होता है दे लीव एवरी नाइट एंड दे आर फ्री टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन वन दे विश कि कोई भी शख्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी वक्त भी छोड़ सकता है और अगर आपने कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनाया उसके नॉलेज को आगे ट्रांसफर करने का या अपने पास महफूज करने का तो वो नॉलेज जो है वो अपने साथ ले जाएगा और आपका जो नॉलेज है जो उसने आपके इदारे में रह के सीखा वो ज़ाया हो जाएगा इशूज़ क्या हैं इससे रिलेटेड नॉलेज लॉस जब होता है तो उससे रिलेटेड मसाइल क्या होते हैं द रिटायरमेंट ये ये एक रिपोर्ट है एक कंपनी ने रिपोर्ट बनाई उन्होंने इसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो मेंशन किए हैं तो सबसे पहला इशू क्या था द रिटायरमेंट ऑफ आर रिकॉर्ड 77 मिलियन बेबी बूमर्स अब ये बेबी बूमर्स वो हैं जो सीनियर हमारी क्लास थी जो सीनियर एज में जो सीनियर हैं उनमें से मिलियंस ने जो इदारे छोड़ दिए हैज़ द पोटेंशल टू रिज़ल्ट इन ह्यूज़ लॉसेस ऑफ़ क्रिटिकल टेसड नॉलेज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू की प्रोसेसेस एंड कॉम्पिटेंसिस के बहुत सारे प्रोसेसेस कॉम्पिटेंसीज का जो बड़ा एक क्रिटिकल नॉलेज था जो कि टेसिड फॉर्म में था उन एक्सपीरियंस लोगों के रिटायर होने से या छोड़ने से क्या हुआ कि वो इदारे के पास नहीं रहा एक एक लॉस पैदा हो गया द प्रॉब्लम आर नॉट लिमिटेड टू रिटायरमेंट चर्न विदिन ऑर्गनाइजेशन एंड न्यू बिज़नेस मॉडल्स फॉर ऑफ शोर ऑफ शोरिंग वर्क नेसेसीटेट केयरफुल आइडेंटिफिकेसन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कि मसला सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है नए बिजनेस के मॉडल आ रहे हैं एक तो ये है कि इदारे छोड़ छोड़ को भी लोग चले जाते हैं रिटायरमेंट से पहले ही चले जाते हैं इदारा छोड़ के और दूसरा ये है कि फिर जो नया बिज़नेस मॉडल आया उसमें एक इदारे की डिफरेंट ब्रांचेस बन गई और दूसरे मुल्कों में इवन पूरी दुनिया में ब्रांचेस बन गईं तो नॉलेजेबल पीपल जो थे उनका इंटरेक्शन कम से कम होता गया इसके नतीजे में भी जो है वो एक मसला पैदा हुआ एक और इशू क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफ़िकल्टी पिन पॉइंटिंग वेन एंड वेयर नॉलेज लॉस और नॉलेज नीड्स में अक्कर ऑर्गेनाइजेशंस को ये मालूम ही नहीं है उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें नॉलेज का जो है वो लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है और हमें किस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है और हम उसे कैसे महफूज करें तो उनकी जो इग्नोरेंस है उनको जो पता नहीं है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा नॉलेज का लॉस हो रहा है एम्प्लॉज इस्पेली न्यू हायर्स आर फेसिंग स्टीपर लॉन्गर लर्निंग करव्स एट द सेम टाइम दैट एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर फास्टर रेवन्यू एंड हायर प्रोडक्टिविटी कि जब भी कोई कंपनी नया एम्प्लॉई हायर करती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आते ही ये हमारे काम को बहुत ऊपर ले जाए उसको उसको बुलंद करे उसको बेहतर करे हमारे रेवेन्यू, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो उसमें इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आए जबकि जो बाहर से आने वाला नया एम्प्लॉ है उसको बहुत टाइम चाहिए कि वो उस नॉलेज को सीखे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है या उसके जो प्रोसेसेस हैं तो इन दोनों का आपस में तज़ाद होता है और इसकी वजह यह है कि जो नॉलेज का लॉस हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा इन्हीं इशूज़ में फिर यह भी शामिल है कि नॉलेज रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र एफर्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय जनरेशनल गैप्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल वर्क एंड कलेबोरेट विद वन एंड अदर कि जो जनरेशन का आपस में गैप होता है उस पर भी तवज्जो नहीं दी जाती उसे भी नहीं समझा जाता और एक जनरेशन का जो उसका नॉलेज सीकिंग का जो तरीका है दूसरी जनरेशन से फ़र्क होता है और ये वजह भी होती है कि इसकी इग्नोरेंस की वजह से इसमें चूँकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो इस वजह से नॉलेज जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता नॉलेज लॉस एंड टाइम टू कंपिटेंसी इशूज़ फॉर न्यू हायर्स थ्रेटन टू कंप्रोमाइज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रेटजीज होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहती है वो अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटजी बनाती है कि जबकि जो नए हायर किए हुए एम्प्लॉज होते हैं वो नॉलेज अभी सीख रहे होते हैं और इस तरह से क्या होता है एक ख़तरा पैदा हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है आगे बढ़ने की उसको वो नए मुलाजमीन जो हैं वो सही तरीके से लेकर नहीं चलेंगे अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉलेज लॉस है इसको डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं वो अपने अपने अंदाज़ से देखते हैं तो इसमें क्या है कि डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज लॉस अब इसमें एच आर के जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स टेंड्स टू व्यू नॉलेज लॉस एज एम्प्लॉ टर्न ओवर वेर द मेजर टाइप्स आर रेजिग्नेशन रिटायरमेंट्स एंड ले ऑफ्स एच आर का जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखता है कि नॉलेज लॉस का क्या मीनिंग है कि एम्प्लॉज़ छोड़ के चले गए वो चाहे रिटायर हो गए रेजिग्नेशन दे दी या इदारे ने उन्हें निकाल दिया इसकी मुख्त शक्लें हैं लेकिन वो इसको देखता है कि हमारे पास नॉलेजेबल एम्प्लॉज़ की कमी हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैसे देखते हैं टेंट्स टू व्यू नॉलेज लॉस एज सिस्टम एरर्स सच एज़ क्रैशज़ एंड फेलियर ऑफ बैकअप्स कि सिस्टम क्रैश कर गया सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा बैकअप जो है वो सही तरीके से मेनटेन नहीं हो रहा और नॉलेज लॉस जो है उसके नतीजे में हो गया क्योंकि लोग चले गए छोड़ के इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे देखते हैं नॉलेज लॉस को कि व्यूज़ नॉलेज लॉस एज़ इन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रूटीन्स हैं उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आ रही वो इफेक्टिवनेस ख़राब हुई है और ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी जो है उसमें कमी आ गई है तो इस तरह से वो देखता है और नॉलेज मैनेजमेंट कैसे देखता है एज़ नॉट बींग एबल टू शेयर एंड प्रिजर्व नॉलेज कि इदारा इस काबिल नहीं है कि वह नॉलेज को शेयर करे या उसे प्रिजर्व करे तो ये डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं उसको देखने के उसके बाद कन्सप्ट है वही कंसेप्ट के नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है और ये मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन है स्पेसिफ़िक ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल नॉलेज फ्राम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉज़ टू दोज हु विल रिप्लेस दैम कि जो इस वक्त एम्प्लॉज़ काम कर रहे हैं वो चूँकि जा रहे हैं उनकी जगह जो बाकी रह जाएंगे उन तक उन सीनियर्स का नॉलेज जो है वो ये छोड़ के जाने वालों का नॉलेज जो रह जाने वाले हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र करना है इस अमल को हम नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कहेंगे इसमें फिर टाइम लाइन्स हैं दो तरह की जिसका ताल्लुक़ जो है वो नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के साथ है इसमें सबसे पहले टू इंश्योर दैट प्रज़ेंट डे एम्प्लॉज़ कैन कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्राम द नॉलेज ऑफ दो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कि जो लोग जा रहे हैं उनके नॉलेज को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग कैसे उससे बेनिफिट करेंगे और ये काम कंटिन्यूसली होने वाला है और दूसरा है टू इन्श्योर दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैन री यूज़ दिस नॉलेज इन द फ्यूचर कि वो नॉलेज फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे उन लोगों का नॉलेज जो कि छोड़ के जा रहे हैं एंड इन एडिशन न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉज़ विल आल्सो भी एबल टू बेनिफिट फ्राम दिस किमुलेटिव नॉलेज बेस कि एक नॉलेज बेस बने एक रिपोर्जिटरी बने कि जिसमें इन लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो सेव किया जाए और फ्यूचर में जो है वो सर्च करके फाइंड आउट करके तो जो रह जाने वाले मुलाजम हैं पीछे वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें